सो गाइस, क्या आप लोगों को जानना है कि मैं अपने चेहरे पे क्या लगा रही हूँ और इतना ज़्यादा ग्लो कैसे है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्लो मास्क। इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 2 चम्मच बेसन। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं अभी आपको कुछ देर में बताती हूँ। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पटेटो जूस। यहाँ पे मैंने रॉ पटेटो यानी कच्चा पटेटो यानी आलू को मैंने छील लिया, वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने उसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया और उसके बाद उसके सारे जूस को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हर स्टोर में ईजिली अवेलेबल होता है। इस मास्क को हमें 10 मिनट तक रख देना है, उसके बाद अपने फेस पे लगाना है, जिससे इसके न्यूट्रिएंट्स जो है ना अच्छे से घुल मिल जाए और ये प्रॉपरली सेट हो जाए। आप इसका थिकनेस दे सकते हो, ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है। सो गाइस, इसके बाद हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। पटेटोज़ बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B6 रखता है, जिसके वजह से हमारे स्किन टोन इन्हेंस होते हैं और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बेसन एक बहुत अच्छा क्लींजर है ऑयली स्किन के लिए, ये हमारे स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसे रिमूव भी करता है और ये हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं करता। एप्पल साइडर विनेगर में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके वजह से स्किन का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और पोर्स बंद हो जाता है, और ये रेमेडी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन से पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। सो गाइज, ये मास्क को हम सूख जाने देंगे 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट के बाद हम थोड़ा सा मास्क हाथ में लेंगे और इस मास्क को हम अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से रब करेंगे और मसाज करेंगे। और जैसे ही हमें फेशियल मसाज करते हैं ना, जब हम नॉर्मल फेशियल करते हैं, जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, वैसे ही हमें अपने स्किन पे अच्छी तरीके से मसाज करना है कम से कम 5 मिनट तक। सो गाइज, इसमें हम एक्स्ट्रा मास्क लेके वापस से मसाज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप मसाज को थोड़ा सा बचा के भी रखें, पूरा चेहरे पे लगा के ख़त्म ना कर दे। और उसके बाद 5 मिनट तक अच्छे से अपने मतलब टी जोन एरिया में, चिक्स पे, फोरहेड पे अच्छे से मसाज करेंगे और हमारे ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट भी होंगे और इस तरीके से हम मसाज कर लेंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद हम अपना फेस नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो हल्का ठंडा पानी से भी वॉश कर सकते हैं, आप चाहें तो हल्का गर्म पानी से भी वॉश कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और उसके बाद हम 10 मिनट वेट करेंगे और 10 मिनट के बाद हम बर्फ़ लगा लेंगे अपने चेहरे पे। बहुत लोग कहते हैं कि आप डायरेक्ट बर्फ़ अपने चेहरे पे नहीं लगा सकते, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप डायरेक्ट बर्फ़ लगाएं, क्योंकि जब भी मैं वाइप की मदद से ये बर्फ़ लगाती हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे ना रैशेस आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सेंसिटिव स्किन है। इसीलिए मैं डायरेक्ट बर्फ़ लगाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, उसके बेनिफिट्स और उसके रिजल्ट मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। बर्फ़ हमें हमारे स्किन में डेली लगाना चाहिए, ये हमारी स्किन को टाइटन अप करता है और इसके बहुत सारे वंडर रीजंस है और बहुत ही फ़ायदा करता है। बर्फ़ को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करूंगी, कभी मैं बनाऊंगी बर्फ़ के ऊपर भी वीडियो और आपके इसके बेनिफिट अच्छे तरीके से समझाऊंगी। सो गाइस, बर्फ़ अच्छी तरीके से हम पूरे अच्छे से लगा लेंगे और लिप्स पे भी लगाएंगे। लिप्स पे बर्फ़ ज़रूर लगाएं, इससे जो हमारे ड्राई लिप्स के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो ऐसे मिनटों में चले जाते हैं। सो ये हमारे लिप्स को भी बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है, इसलिए इसे ज़रूर से ज़रूर लिप्स पे भी लगाएं और 5 मिनट तक इसे रहने दें। सो गाइज, ग्लो तो आप मेरे चेहरे पे देख ही रहे हो, अब वेट किस लिए कर रहे हो? आप भी जाइए और इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, और अगर आपके फेस पे ग्लो आता है ना, तो नीचे लाइक बटन में थोड़ा सा ग्लो आप भी डाल देना और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दे देना। और हाँ, इस पैक का अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इस पैक को हफ्ते में 3 बार यूज कर सकते हो। और कोई भी फेस मास्क को, अगर उसका बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए, तो कोई भी फेस मास्क को आप रात को सोने से पहले लगाइए, क्योंकि क्या होता है, उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट या कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाते हैं। तो रात को जब हम सो जाते हैं ना, तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स होते हैं ना, वो रात भर हमारे फेस के ऊपर और भी काम करते हैं और फिर सुबह और भी ज्यादा हमारे फेस पे नेचुरल ग्लो आता है। सो गाइज, आप इस फेस पैक को रात को यूज कीजिए सोने के टाइम पे, और फिर फेस को वॉश कर लीजिए और फिर सो जाइए, सुबह उठ के आपको दिखेगा कि इसमें बहुत अच्छा ग्लो आ गया है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इस वीडियो को लाइक
बहुत सारे भर भर के दीजिए और नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कैसा लगा ये रेमेडी। और हाँ, आपको मेरे पुराने रेमेडीज भी चेक करने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेमेडीज दे रही हूँ जो समर सीजन के लिए बहुत ही बेस्ट वर्क करते हैं, और हेयर स्किन केयर बहुत सारे। और धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज लाने वाली हूँ। सो गाइज, मेक श्योर कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।